हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्पीक क्लासेस में। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ये यूपीपीसीएल की जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है 2022 की आई हुई है। तो आप देख सकते हैं कि सरकारी रिजल्ट पे जब आएंगे तो आप यूपीपीसीएल जब आप लेटेस्ट जॉब खोलेंगे ये आपको दिखाई देगा, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है ये। और इसमें जो अप्लीकेशन का चार्ज है वो अप्लीकेशन का चार्ज जनरल और ओबीसी के लिए 1180 रुपये है, और एससी और एसटी के लिए जो आपका चार्ज है वो 826 रुपये है, और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए सिर्फ 12 रुपये है। अप्लीकेशन की डेट क्या है? अप्लीकेशन की डेट 18/4 से है ये अप्लाई होगा, और लास्ट डेट क्या है इसका? लास्ट डेट जो है वो 18/4 है, ठीक है? ये अप्लीकेशन डेट नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट डेट है वो, और स्टार्टिंग डेट है 25 मार्च, यानी कि 25/3 से ये ओपन हो जाएगा, और 18 मार्च इसका लास्ट डेट है। और पेमेंट करने का भी इसका जो डेट है, पेमेंट करने का जो डेट है वो 20/4 है, और एग्ज़ाम की जो डेट दिखाई गई है इसमें वो मई के लास्ट में दिखाई जा रही है, ठीक। और एडमिट कार्ड बिफोर द 4 डेज एग्ज़ाम से आपको मिल जाएगा। अब इसमें एज लिमिटेशन की बात करते हैं, तो एज लिमिटेशन क्या है आपका? मिनिमम 18 से मैक्सिमम कितना है? 40 वर्ष, ठीक है। और अभी तक ये फॉर्म ओपन नहीं हुआ है। और ये किसके लिए वैकेंसी? तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो वैकेंसी आई हुई है ये टोटल पोस्ट की संख्या जो है वो 25 है। जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी है वो 25 है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, जो सिविल के बच्चे, जो सिविल के जो ट्रेड वाले बच्चे होंगे डिप्लोमा के, वही बच्चे इसको क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं नीचे ये वैकेंसी है। अब इसमें भी क्या है, जो 25 टोटल सीट थी इसमें क्या है, ये कैटेगरी वाइज सीटों का इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है किस कैटेगरी के लिए, जैसे ओबीसी के लिए कितनी है, 7 है, एससी एसटी की कितनी है, 6 है, एससी की कितनी है, 6 है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। टोटल कितनी सीटें हैं? 25 सीटें हैं, और अभी तक ये फॉर्म ओपन नहीं हुआ है। आप देखेंगे कि नीचे कि 25 तारीख को ही ये फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब वो अप्लाई नीचे जाएंगे तो अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म का जो लिंक ओपन होगा वो 25/3 से खुल जाएगा। ओके, धन्यवाद।